हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट तो आ गया है, और लेकिन साथ ही साथ आज उसका मार्कशीट भी आ गया है। आप लोग देख ले कि कितना नंबर आया है सबका। तो मैं आज उसका प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको रिजल्ट अपना डाउनलोड करना है। तो इससे पहले चलिए देखते हैं कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यहाँ पर जाकर। और आइए चलिए देखते हैं। तो पहले मैं ऑफिशियल साइट खोलता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी का। तो ये ऑफिशियल साइट खुला और यहाँ देख रहे हैं रिजल्ट का एक आइकन बना हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा खुलकर आ जाएगा, ये देखिए डाउनलोड फाइनल सिलेक्शन मार्कशीट। तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है विव रिजल्ट, क्लिक हियर टू विव फाइनल मार्कशीट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2016। यहाँ पर ये देखिए 31/10/2018 तक यहाँ पर रहेगा, इस तरह से शो करेगा और इसके बाद हटा दिया जाएगा वेबसाइट से। तो इसलिए जल्द से जल्द इसे डाउनलोड कर लें यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से खुलेगा। फिर देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल कर आएगा। यहाँ देखिए ये खुल गया है, और यहाँ पर आपको अपना 11 अंक का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, या फिर और इस अगर रजिस्ट्रेशन नंबर पता नहीं है तो आप रोल नंबर वाइज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट रोल नंबर वाइज पर आप रिजल्ट ये डालकर देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, डे मंथ ईयर, इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मेल फीमेल, और यहाँ पर फिर ये कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद आप सी रिजल्ट पर करेंगे। जैसे ही सी रिजल्ट पर आप करेंगे इसमें डालने के बाद, तो आपका रिजल्ट इस तरह से खुलकर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए रिजल्ट खुलकर आया है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका रिजल्ट शो कर रहा है इस तरह से, रोल नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका डिटेल दिया हुआ है पूरा। और देखिए रिटर्न मार्क्स जो है 40 नंबर का है, जिसमें से ये मैंने जिस कैंडिडेट का खोला हुआ है तो उसका रिटर्न में सिर्फ 25.5 मतलब 25.5 नंबर आया है, और इंटरव्यू में जो मार्क आया है वो 25 में से 14 मार्क्स आया है, और इंटरमीडिएट का 20 मार्क्स आया है। चूँकि वो ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ था इसलिए ग्रेजुएशन का मार्क्स नहीं जुड़ा है, और स्पोर्ट से नहीं था इसलिए स्पोर्ट का भी नहीं जुड़ा हुआ है। और देखिए टोटल ग्रैंड टोटल जो है 59.5 आया है। तो इस तरह से आपने देखा कि रिजल्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, और इस तरह से आप अपना आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।